हमारे चैनल फिटर नॉलेज बाई अरुण सर द्वारा यह फिटर की टेस्ट सीरीज का पार्ट 3 है। आइए हम इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया को केस हार्डनिंग कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग प्रक्रिया केस हार्डनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 39, लेथ सेंटर में निम्नलिखित में मानक टेपर दिए जाते हैं? जब क्वेश्चन लेथ की बात कर रहा हो तो उसका आंसर हमेशा मोर्स टेपर होता है। क्वेश्चन नंबर 40, घिसाई पहिए के कटाई कार्य में सुधार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ड्रेसिंग कार्य। घिसाई पहिए के कटाई कार्य में सुधार करने की प्रक्रिया ड्रेसिंग कार्य कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 41, दो समांतर शाफ्ट किसके द्वारा जुड़े होते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सीधे स्पर गियर। सीधे स्पर गियर की सहायता से दो समांतर शाफ्टों को जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, किस तरह का बोल्ट आयताकार स्लॉट के लिए फिट होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौकोर बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा विनशीलता का लाभ नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परीक्षण तथा त्रुटि विधि अपनानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 44, एक त्रिभुजाकार थ्रेड में एक ओर का कोण 90 डिग्री है तथा दूसरी ओर 45 डिग्री का कोण है, यह थ्रेड किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, बटरेस थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 45, नोच के कोने पर एक छोटा सा होल दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रैक स्टॉप होल। क्वेश्चन नंबर 46, स्टोनवेयर पाइप का दूसरा नाम क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विट्रीफाइड पाइप। क्वेश्चन नंबर 47, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है कि अपघर्षण कणों को होनिंग में उपयुक्त जोड़ने पर संगठित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन कार्बाइड। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, प्रेस कार्य में खाली भाग का आकार इसके आकार पर निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाई। डाई के आकार पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 49, ड्रिल को इसके द्वारा पकड़ा और घुमाया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सैंग के द्वारा ड्रिल को पकड़ा और घुमाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्लेट जिग। प्लेट जिग में क्वेश्चन नंबर 51, एक रीमर का प्रयोग सही करने के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, छिद्र का आकार और उसकी गोलाई का प्रयोग। एक रीमर का प्रयोग सही करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, नर्म धातु की फाइलिंग करते समय फाइल दांत धातु के छोटे कणों में जम जाते हैं, फाइल को इसकी सहायता से साफ किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइल कार्ड का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 53, बेंच वाइस का जबड़ा प्लेट इससे बना होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा
डी कास्ट इस्पात, कास्ट स्टील। क्वेश्चन नंबर 54, लुब्रिकेंट की विस्कासिटी किसके द्वारा मापी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्कोसिटी मीटर के द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, कौन बियरिंग रेखा स्पर्श करती है? रेखा स्पर्श यानी कि लाइन कांटेक्ट पूछा जा रहा है, तो यह रोलर बियरिंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 56, मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन क्या कहलाता है? इसे हम आंतरिक दहन इंजन यानी कि आईसी इंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, PPES का अर्थ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।